कई विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज हैं सीयूईटी 2022 को लेकर के। उनके दिमाग में कि सीयूईटी 2022 यूजी कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 6/5/2022 यानी कि 6 मई 2022 लास्ट डेट थी। अब कई विद्यार्थी जो है किसी कारणवश किसी समस्या की वजह से फॉर्म जो है 6 मई या इससे पहले तक नहीं भर पाए थे। तो इसी के साथ में कई विद्यार्थियों के अभी भी डाउट है, क्या फॉर्म की जो डेट है वो 6 मई से आगे भी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीयूईटी 2022 को लेकर के NTA.ac.in की जो ऑफिशियल साइट है इस पर नोटिस जारी हुआ है। 2 पेज का ये नोटिस है और इस नोटिस में ये जो NTA.ac. पर ये जो नोटिस जारी हुआ है 5 मई 2022 को हो चुका है। 5 मई 2022 को ये नोटिस हो चुका है। कहाँ हुआ है? NTA.ac.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में NTA की ऑफिशियल साइट का लिंक है, ठीक है। और इसको लेकर के हमने ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है उसको 5 मई 2022 को जो जारी हुआ है नोटिस उसको कम्युनिटी टैब पर डाल दिया था ताकि आपको पता लगे कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ गई है, एक्सटेंड हो चुकी है। इसके अलावा कम्युनिटी टैब पर भी डाल दिया था हमने और वीडियो के द्वारा शॉर्ट वीडियो भी बना के आपको बता दी थी कि आपको अपडेट मिल जाए कि जो एक्सटेंड हो चुकी है फॉर्म की सीयूईटी 2022 यूजी कोर्स, ठीक है। इसके लिए अब उसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है वो है अब आपकी बढ़ा दी गई है 22/5/2022। कब तक है? अप टू 5 PM मतलब शाम को 5 बजे तक। कब? 22/5/2022 बढ़ गई है आपकी डेट, ठीक है, 5 PM। ये नोटिस भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एनटीए की ऑफिशियल साइट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप पेमेंट वगैरह कटाने उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 22/5/2022 रात को 11:50 PM तक, ठीक है। और मान के चलो आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन आपके फॉर्म में किसी ना किसी किसी पॉइंट को लेकर के या किसी भी बिंदु को लेकर के कोई गलती हो गई। अब आप सोच रहे हैं अरे ये गलती हो गई, हम इसको कैसे दूर करें? आपके टेंशन हो गए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके लिए एनटीए जो है, एनटीए जो भी एग्जाम लेता है उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन करता है, तो इसकी भी करेक्शन विंडो ओपन होगी। करेक्शन विंडो का मतलब क्या है? तो करेक्शन विंडो आपकी 25/5/2022 से ओपन होगी और ये चलेगी 31/5/2022 तक। ये शेड्यूल में लिखा हुआ पूरा का पूरा HTH, ठीक है। करेक्शन विंडो का मतलब ये होता है आपकी फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती है तो उसको आप सुधार सकते हो, ये करेक्शन विंडो का मतलब है, ठीक है। तो ये थी आपको अपडेट। इस वीडियो का मतलब यही है कि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉर्म की डेट बढ़ी है नहीं बढ़ी है। तो फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, वो अपने फॉर्म को भर चुकी है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU है एग्रीकल्चर कैंपस वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहाँ जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ABC कर दिया गया है, ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। इसका भी सिलेबस आपको जल्दी एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या सिलेबस रहने वाला है BHU BSc AG ऑनर्स ABC के लिए, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए बताई। और भी आपके कोई भी डाउट है, कमेंट है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, आपके वीडियो बना करके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका अपडेट मिले कि फॉर्म की भी लास्ट डेट बढ़ चुकी है और ये जो आपने पहले कम्युनिटी टैब पर डाल दिया था 5 मई को ही और 5 मई 2022 को ही, ठीक है, ताकि आपको पता लगे, शॉर्ट वीडियो के द्वारा बता दिया था। अब आपको पता लगा या नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, बेल आइकन को दबा रखा होगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब तो कर रखा लेकिन बेल आइकन को ही नहीं दबा रखा तो नोटिफिकेशन की पता नहीं लगता कि नोटिफिकेशन कब आया कब नहीं आया। तो इसके इसके लिए जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर लीजिए और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी और अपडेट अन्य जानकारी के साथ, इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और मिलते हैं और अपडेट अन्य जानकारी। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को विद्यार्थियों के हित में प्लीज शेयर जरूर कर दें ताकि किसी भी विद्यार्थी को वो वंचित नहीं रहे, उसको पता लग सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसकी और अपडेट और अन्य जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।